आपको भी मालूम है कि झारखंड के रैयतों को पहले क्या मिलता है, पहले लाठी डंडा और 353 का केस मिलता। जमीन आपकी है, वो जमीन पे कोयला भी फोड़ेंगे, वो जमीन पे पत्थर का माइंस भी होगा, लेकिन नौकरी आपको नहीं मिलेगा, ठेकेदार आपका नहीं होगा, वहां पर आपका गाड़ी नहीं होगा, वहां कुछ आपका नहीं होगा। आप अगर आवाज उठाएंगे तो आपको 353 का धारा लगा के केस किया जाएगा। तो बोकारो में भी नहीं हुआ, उनको FIR किया गया, लेकिन कंपनी वाला क्या बोला मालूम है, 1 तारीख को FIR हुआ, 1 जून को FIR हुआ, और बोला कि नहीं अभी केस को आगे बढ़ाइए, 4 तारीख का इंतजार कीजिए, 4 तारीख को कोर्ट का गिनती होगा, अगर जरा मातो सांसद बन जाते हैं तो केस वापस कर लीजिएगा, नहीं तो वो लड़का कहीं लड़ना पड़ेगा। इतना बड़ा कंपनी मेरा नाम से कुछ हालत खराब था, जैसे वो जीत के आ गया तो जितना केस अब ग्रामीण में किए हैं सारा केस आपको वापस लेना। आप पता चल रही है हम प्रधानमंत्री की तो आप फेंक नहीं रहे हैं, आप पता चल लीजिएगा चंदनपुरा बोकारो जिला गोर नहीं है, हम चुनाव जैसे ही हारे 5 तारीख को केस बढ़ाया गया, केस 1 तारीख को केस ट्रांसफर किया गया 5 तारीख को। हमारे वहाँ एक प्रखंड है, उस प्रखंड के पदाधिकारी चर्चा कर रहे थे अगर जरा मातो सांसद बन के आएगा तो ये जो आप लोग मृत्यु प्रमाण पत्र में जाति आय आवासीय बनाने में जो पैसा लेते हैं ना, ये बंद करना होगा, नहीं तो लड़क नहीं जो नहीं छोड़ेगा। हमारे जो नौजवान 2024 के महा
हम लोग एक नए सोच के साथ राजनीति करने आए हैं। हम लोगों ने यह भी कहा था कि अगर हम लोग एमपी का चुनाव जीतेंगे ना, तो एमपी का जो सैलरी होता है, एक एमपी को जैसे डॉक्टर को सैलरी, टीचर को सैलरी, पुलिस को सैलरी, सबको सैलरी मिलता है, तो एमपी को जो सैलरी मिलेगा उसका 75% वो जनता को दान कर देंगे। हमने ये भी कहा था जब हमारी पार्टी से कोई विधायक सांसद चुन के जाता है, क्योंकि आप जनता के सेवक हैं। अगर जनता के सेवक है तो आपको धन दौलत की क्या आवश्यकता है, जनता आपको प्यार करेगी। और इतिहास में पहली बार हुआ है ईडी की बात करिए, तमाम लोकसभा जहाँ लोग चुनाव लड़े हैं, जनता जनता देव के वोट लड़ाई है। आपके वोट में नेताजी खर्चा दिए होंगे, एक नेताजी अगर 10 दिए हैं तो अगले नेताजी 20 दिए होंगे, लेकिन हम जिस बूथ में थे ना, जनता खुद से चंदा उठाई। कभी ईडी लोकसभा आने का मौका मिले तो आपके घूमिए अगर पता कीजिएगा बूढ़ा बुजुर्ग लोग से। और चुनाव में हम कहेंगे 1 रुपया बूथ खर्चा नहीं देते, 1 रुपया नहीं, पेट्रोल भी हम कहीं नहीं रहते थे। और मेरा रैली देखिएगा आप मोबाइल में निकाल के, जितना मंत्री लोग कर रहे होते उससे 4 गुना ज्यादा लोग रहते थे। हम लोग किसी को 1 रुपये पेट्रोल भी नहीं दिए, क्योंकि हमने ये विश्वास दिलाया है इस राज्य को बदलने के लिए हम लोग आए। बाकी समय की कमी है, हम लोग फिर आपके गढ़वा जिला भवनाथपुर जो भी विधानसभा है वहाँ बुलाएंगे और अपने संदेश को रखेंगे। हम तुम्हें यही कहेंगे कि देखिए हमारी लड़ाई किसी राज्य से नहीं है, हम बिहार में थे, बिहार हमारा बड़ा भाई है। लेकिन बड़ा भाई और छोटा भाई अगर बंटवारा हो जाता है तो क्या बड़ा भाई छोटा भाई का जमीन चोरों जमीन में नजर गड़ाता है क्या? दादू लोग गड़ाता है क्या? अगर दो भाई में जमीन का बंटवारा हो गया तो बड़ा भाई छोटा वाला जमीन जबरदस्ती लेगा? नहीं लेगा। तो बिहार नहीं, यूपी है, जय बंगाल है, हमको हमारा हिस्सा मिल चुका है, झारखंड का बंटवारा हो चुका है। तो मेरे क्षेत्र में आप नजर ना लगाएं, मेरी नौकरियों में ना लगाएं, मेरे टेंडर में ना लगाएं, मेरी ठेकेदारी में ना लगाएं, मेरे आउटसोर्सिंग में ना लगाएं, उतना ही नहीं। मेगा पत्थर बालू गिट्टी छरी लोहा कहीं आप नजर मत लड़ाइए, क्योंकि बड़ा भाई और छोटा भाई बंटवारा हो चुका है। हम आपके वहां नजर गड़ा रहे, बोलिए तो हम बिहार यूपी बंगाल में नजर गड़ाए हैं, एक चीज कब्जा किए हैं क्या? नहीं तो फिर आप हमारे यहाँ नजर क्यों गड़ाएंगे भाई? हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। आप सब कहेंगे कि 3 वर्ष तक पार हुआ, एक भी सत्र में आप जेएम के बारे सवाल नहीं किए, एक भी सत्र में आप फाइन के बारे सवाल नहीं किए, एक भी सत्र में आप प्लान के बारे सवाल नहीं किए। आपने हिसाब क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया सर? आपके घर में अगर कोई काम करने वाली आती है तो आप उसे हिसाब लेते हैं कि यहाँ पोछा लगाए कि नहीं, यहाँ काम की कि नहीं। आपके घर में कोई हाल जोड़ने वाला तो हिसाब लेते हैं कि गए गए घंटा जो नहीं खतवा लिया, खाद फैक्ट्री में लूट लिया, खदान में लूट लिया,
किए गए।